Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian Edufun classes. Edufun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello my dear kids, bacho, in the previous video I have taught you about adjectives and its kind. Now we will be doing exercise A from our MCB book, which is given on page number 38. So let's start this exercise. I will be reading question and then I will be reading the sentences. Firstly, the question is underline the adjectives. जो भी सेंटेंस में हमारे पास एडजेक्टिव्स होंगे हम उनको अंडरलाइन करेंगे सबसे पहले, एंड देन वी हैव टू से व्हाट काइंड दे आर. मींस वी हैव टू टेल वेदर द एडजेक्टिव्स आर द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ, वी कैन से, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. ठीक है, तो हमें इन्हीं तीन टाइप्स ने हमें सिलेबस में दे रखे हैं, हमारी बुक में दे रखे हैं, तो हमें इन तीन टाइप में से ही एडजेक्टिव्स को जज करना है कि कौन सा वाला एडजेक्टिव किस कैटेगरी के अंदर आता है. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, या फिर वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द बेगर हैड वेरी लिटिल मनी टू लिव ऑन. अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी. हमने यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखे हैं, बट एक क्विक रिवीजन से लेते हैं. क्वांटिटी, जब हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में बताया जा रहा है कि वो चीज़ कितनी है लेकिन फिक्स्ड नहीं है, उसका कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, तब हम उसे बोलेंगे क्वांटिटी. जैसे यहाँ पे देयर इज सम मिल्क, थोड़ा सा दूध, तो थोड़े में कितना थोड़ा है, आधा लीटर है, दो लीटर है, या फिर बिल्कुल मिली लीटर में है, वो सब हमें नहीं पता. सम मिल्क कह रही है, थोड़ा कह रही है, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता है, यानी कि वो हमने उसमें दूध की कुछ क्वांटिटी तो बताई है लेकिन कितना दूध है वो एग्जैक्टली नहीं बताया. तो जब हम एग्जैक्टली नहीं बताएंगे तब वो हो जाएगी क्वांटिटी, लेकिन अगर हम बता देते दो लीटर तब वो हो जाता नंबर, क्योंकि हम वहाँ पे एग्जैक्ट नंबर बता रहे थे. ठीक है, अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. क्वांटिटी और नंबर लगभग सेम वर्क करते हैं, बस उसमें डिफरेंस ये होता है कि नंबर में हम काउंटेबल चीज़ को यूज़ करते हैं, जो चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, जो चीज़ एग्जैक्ट हमें दे रखी है और एग्जैक्ट क्वांटिटी दे रखी है, लेकिन अगर एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है तब हम उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूटिव में मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर देती है किसी भी क्लास को, किसी भी ग्रुप को, तब हम उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, लाइक ईच, ईदर, नीदर, एवरी. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज. द ब्लाइंड बेगर हैड वेरी लिटिल मनी टू लिव ऑन. इसमें आप बताइए एडजेक्टिव क्या है. सबसे पहले एडजेक्टिव है लिटिल और ब्लाइंड. ठीक है, बैगर कैसा है, ब्लाइंड है, और मनी कितना है, लिटिल है. लेकिन यहाँ पे हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में लिखने के लिए मेंशन नहीं किया है. हमारे जो बुक है, बुक में तीन ही तरीके के एडजेक्टिव हैं, तो हम ब्लाइंड वाला एडजेक्टिव अभी कंसिडर नहीं करेंगे. लेकिन ये एडजेक्टिव कौन सा होगा, ये होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. कैसा बैगर है, ब्लाइंड है. ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्वांटिटी, नंबर या डिस्ट्रीब्यूटिव में से ही सर्च करना है, तो हम लिटिल को कह सकते हैं लिटिल एज अ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. तो वी कैन राइट हियर, वी विल अंडरलाइन लिटिल एंड देन वील राइट हियर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, बिकॉज लिटिल मतलब थोड़ा, थोड़ा को तो हम जज नहीं कर सकते ना कितना है, तो हम उसके लिए लगाएंगे क्वांटिटी. एवरी इंडियन शुड बी प्राउड ऑफ हिज हेरिटेज एंड प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स. सो हियर वी कैन सी एवरी इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. नेक्स्ट, ईच चाइल्ड वॉज गिवन अ स्पेशल ड्रेस टू वेयर ऑन द स्पोर्ट्स डे. हियर ईच इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. इंडिया केम सेकेंड इन द एशियन गेम. सेकेंड एग्जैक्ट नंबर दे दिया है देखो यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर. मोस्ट मैन हैव टू वर्क हार्ड फॉर आर लिविंग. मोस्ट क्या हो गया, एक हो गई क्वांटिटी कि ज़्यादातर मैन, मोस्ट मीन्स ज़्यादातर मैन, तो एक क्वांटिटी हो गई लेकिन उसमें फिक्स क्वांटिटी नहीं बताई है, इसलिए हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी.
बच्चों, दिस एक्सरसाइज वी हैव कंप्लीटेड हेयर, सो जल्दी से इस एक्सरसाइज को अपनी बुक्स में कॉपी कीजिए एंड यूज पेंसिल इन योर बुक्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली राइट ईच एंड एवरीथिंग इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.